मछुआरा समाज अपनी मांग को लेकर उठाई अपनी आवाज, कहा कि तत्कालीन समय में मछुआरा नाविक जातियों यथा केवट, मल्लाह, धीमर, भोई, मांझी, धीवर को ही संवैधानिक आदेश के तहत मांझी का लाभ दिया गया। छत्तीसगढ़ मछुआरा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दुर्ग के हिंदी भवन के सामने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जनजाति सम्मिलित की गई, उसमें राज्यपाल के आदेशानुसार मांझी शब्द के साथ धीवर, ढीमर, डीगर, केवट, मोई, कहार, कहरा, मल्लाह, निषाद, मांझी आदि मछुआरा नाविक जातियों को जोड़ने संबंधी एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश शासन द्वारा मांझी जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था उन्हें मान्य किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेन वर्मा ने भी अपना समर्थन देते हुए केवट समाज के प्रति संबोधन दिया। समाज निश्चित तौर पे समाज में अंतिम पंक्ति के तरफ पाया जाता है। ये समाज निश्चित तौर पे संघर्ष कर रहा है और हिंदुस्तान में जो आरक्षण पद्धति लागू किया गया है उसमें यही मानसा है कि समाज के जितने भी शोषित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है, कहा जाए कि जैसे हमारे डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नारा दिया था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक के जो लाभ है, जो सुविधा है वो पहुंचना चाहिए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमारे मछुआरा समाज, खास करके इसमें निषाद समाज, धीवर समाज जैसे मछुआ समूह में काम करने वाले सारे समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों का मांग है कि हमको अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इनका समर्थन करता हूँ। निश्चित तौर पर इन लोग अखेठक समाज है और समुद्र के गहराई को नापने वाला समाज है, बहुत ही साहसी समाज है, लेकिन इन लोगों के आर्थिक व्यवस्था जो है वो कमज़ोर है। तो आर्थिक व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए इन लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कि हमको 1950 के पहले अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्राप्त था, मांझी के पर्याय ढीमर, केवल, मल्लाह, भोर, नाविक, कहार, मांझी करके, उसको 1950 के बाद जब सरकार बनी कांग्रेस की, वह सरकार ने उसको अनुसूचित जाति से विलुपित करके पिछड़गम डाला, समानम डाला। और हमने जब इनका विरोध किया और तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पहले जब मध्य प्रदेश थे तो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी इस समय मुख्यमंत्री था, उस समय हम लोगों ने जब बात रखे तो अर्जुन सिंह ने कहा कि हमने आपके समाज को हमने वहाँ से हटा दिया है। ये बात बोले, हम लोग खुश हो गए कि भाई अर्जुन सिंह हमको ऐसा बोला है तो हमारे समाज को ये पिछड़ों से हटाएंगे। तो वो पिछड़ों से नहीं हटाया, वो केवल सामान्य से हमको हटा दिया, लेकिन हमको जहाँ से जोड़ना था, जहाँ से हमको विलोपित किया, उनको समायोजित कर, तो वहाँ पे नहीं किया। वो हमारा यह है कि हमको जो 1950 से मिली सुविधा था उस सुविधा को हमें पुनः प्रदान करें और मांझी के पर्याय धीमर कर मल्लाह भोर नाविक कहार मांझी को अनुसूचित जनजाति के में समायोजित करें, है ना। हमें दूसरी बात यह है जो मछुआ नीति है, अभी 2023 में जो मछुआ नीति बना है, ये मछुआ नीति से हमारे मछुआरा समाज पूरा बेरोजगार, लाचार, भुखमरी को आ रहे हैं। तो यह मछुआ नीति 2023 मछुआ नीति को निरस्त करें और निरस्त करके जो 2008 में मछुआ नीति लागू था उस मछुआ नीति को संरक्षण देते हुए लागू करें। उनमें भी जो मछुआरा की तात्पर्य है, धीमर, केवट, मल्लाह, भोर नाविक, कहार, मांझी, इनको स्पष्ट उल्लेख करते हुए जो जन्मजात मछुआरा है, जो वंशानुगत मछुआरा है, उस मछुआरा का अंकित करते हुए मछुआ नीति में स्पष्ट उल्लेख करें और 2008 की मछुआ नीति को लागू करें। ये हमारी दो बातें हैं। आप तो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन हम लोग के लिए दो ही मांग है और ये अभी का नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं और ये सरकार जो है, चाहे केंद्र को कि राज्य की जो सरकार है, लगातार हमको ठगते जा रहे हैं और छलते जा रही है और इसी छलने का नतीजा है ये अभी घटना है। ये 17 मार्च को इसी सरकार ने हमारी जो मांगों को ये विधानसभा सत्र में पटल में रखा गया था और वो सत्यनारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया था, मगर सोमवार को न बात हुआ, न बुधवार को बात हुआ और वो पटल में जैसे तैसे वापस आ गया। और इसीलिए वही से हम लोग जो उम्मीद किए थे इस सरकार के साथ, इस सरकार ने हमारे साथ जो वादा किया था कि हम इस सरकार का जो मामला है उसको हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं और इसको पुनः अनुसूचित जनजाति में समायोजित करने का प्रयास करेंगे, मगर ये नहीं किया, इसीलिए तो आंदोलन अभी है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और ये
या अभी तो धरना है, उसके बाद हम प्रदेश स्तर पे कोशिश करेंगे कि रायपुर को भी बंद करने का, और रायपुर को बंद करने का, और साथ साथ हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से, ये सरकार अभी भी हमारे मुद्दे को अभी वर्तमान में मानसून सत्र में ये संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजे, अन्यथा ये जो लड़ाई है ये लड़ाई जबरदस्त रूप से असर करेगा और ये सरकार को, ये कांग्रेसी सरकार को उखाड़ फेंकने तक के लड़ाई लड़ेगा। ये सबसे पहले तो यह है कि आज जो संघर्ष मोर्चा के तहत ये दुर्ग जिले में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ निषाद ढीमर कहार माझी ये समस्त ऐसे लोग हैं जो नदी किनारे और तालाब में मछली पालन का कार्य करते हैं। हमारी जो जातियाँ हैं उसको आज के वर्तमान में पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिलता है, लेकिन पूर्व में ऑलरेडी यही जो भगवान राम के समय के जो कार्य किए हुए हैं वो देश की आज़ादी के पहले भी हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन ऐसे क्या हुआ कि जो टीम आई थी जांच समिति, उन्होंने ऐसा समिति अपना रिपोर्ट दिया कि इस समाज को अलग कर दिया गया, और इसकी मांग लगातार पिछले 25 वर्षों से की जा रही है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी संघर्ष मोर्चा के तहत ये जो समाज है इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए आज एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन है, आगे ये जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे धरना प्रदर्शन और रैली के रूप में ज्ञापन दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।